हमारे जो वक्ता हैं और अध्यक्ष भी हैं और मध्य प्रदेश कटनी से आए हैं और हम लोगों के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं 2013 के पहले कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर राधे श्याम त्रिपाठी जी, ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी हैं और सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन और सुलभ इंटरनेशनल और पाठक साहब के साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राधे श्याम त्रिपाठी जी, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं समाजशास्त्र के अपने अग्रणी और स्वच्छता के समाजशास्त्र के मनीषी और इसके अध्येता माननीय पाठक जी के समक्ष मुझे आप सबके बीच में कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ कि जिस रूप में मैं इस सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ा हूँ और जिस स्नेह से मुझे इसमें काम करने का मौका मिलता है, तो मैं अपने अध्यापकीय कार्य के अलावा इसमें सक्रिय होकर के कुछ आगे कर पाऊँगा, इसी उम्मीद के साथ मैं कुछ बातें आज इस मंच के चेयर करने के लिए के साथ में कहना चाहूँगा। मेरी दो दिनों की जो रही आप सब सारी चीज़ें मैंने सुनी, तो मैं महसूस करता हूँ कि हम स्वच्छता के समाजशास्त्र की दिशा में एक स्थायी मुकाम हासिल कर चुके हैं और सने सने 12 विश्वविद्यालयों के जगह आने वाले समय में पूरे भारत के 20 विश्वविद्यालय नहीं बल्कि 100 विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र ही नहीं अन्य संबंधित डिसिप्लिन में भी इस पाठ्यक्रम को अपनाया जाएगा और इस पाठ्यक्रम में निरंतर गुणवत्ता और सुधार की आवश्यकता है। आप आज मंच पर एक अपने सज्जन ने स्वच्छता के समाजशास्त्र के बारे में ये कहा कि स्वच्छता जो है अपने आप में पूरी तरह से सैनिटेशन की एक सही पर्याय नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अभी स्वच्छता एक बहुत कार्यकारी और काम चलाऊ एक पैराडाइम है। मुझे स्वच्छता के समाजशास्त्र को ही अभी लेकर के चलना है। इसका तो कई अर्थ में इसकी व्याख्या की जा रही है, संज्ञा के रूप में अलग और स्टेटस ऑफ सैनिटेशन की व्याख्या अलग रूप में की जा रही है। मूलतया स्वच्छता का समाजशास्त्र इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित करता है और एक टर्मिनोलॉजी के रूप में ये इसको अडाप्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त है, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। मैं अपनी टिप्पणी ये कहूँगा। आज सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें तीन चीज़ों की बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता थी। एक तो ये था कि थाट ऑफ एक्शन जो है किसी क्रिया करने के लिए उसकी वैचार की हमारे पास अब आ गई, उसकी वैचार की या उसकी जो थियरी थी वो 68 में जो पाठक जी जो मिसाल लेकर मसाल लेकर आगे बढ़े थे उससे एक विचारधारा आगे आ गई। बड़ी सफलता ये है कि एक सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा एक ऐसे वैचारिक योगदान को आगे बढ़ाया गया जो बहुत सारे आंदोलनों के पीछे नहीं काम किया। बहुत सारे आंदोलन भारत में हुए लेकिन सफल नहीं हुए क्योंकि उनके पीछे वैचारिकी को आगे बढ़ाने में कोई सशक्त जो है पहरेदार नहीं था। पर हमारे पास हमारा सशक्त पहरेदार है जो हमको वैचारिकी के साथ भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और ये भी कहता है कि टेक्नोलॉजी को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। नई से नई टेक्नोलॉजी, सुलभ टेक्नोलॉजी, वो हम सुलभ इंटरनेशनल के जरिए पूरे देश में पूरे भारतवासियों को दे पाएंगे जो कम से कम खर्च में उनके जो है हाइजीन, हेल्थ और सैनिटेशन की सारी समस्याओं के लिए उपयुक्त जो है उपाय हो सकता है। ये सही बात है कि लंबे समय तक हम लोगों ने भारतीय सामाजिक संरचना के बहुत सारे जो इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर चल, जैसे अनटचबिलिटी की बात बार बार आती है, वो इनबिल्ट प्रॉब्लम है सोशल स्ट्रक्चर की हिंदू समाज में, पर वो धीरे धीरे सेकुलराइज हो रही है, निरपेक्ष हो रही है। बल्कि कहा जाए कि ये बहुत सिर्फ ये स्वच्छता का जो मूवमेंट है वो पहली बार इन सारे इनबिल्ट प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा सशक्त प्रयास कर रहा है और हमको इससे उम्मीद भी है कि हमारी जो संवेदनशीलता है स्वच्छता को लेकर समाज को जागरूक बनाने की वो भी कुछ हद तक, नहीं पूरी हद तक पूरी होती नज़र आ रही है। बहुत सारी उम्मीदें हैं लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे सामने सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से तैयार हुआ है, जो एकेडमिक प्लेटफार्म तैयार हो रहा है और जिस ढंग से विश्वविद्यालय इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, जिस ढंग से भारत के सारे सोशियोलॉजिस्ट ही नहीं अन्य दूसरे प्रकार के एक्सपर्ट्स इसमें जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पाठक जी की सदा सहायता और इनकी जो है एक दयालुता है जो हम सबको जो है एक प्लेटफार्म पर खड़ा करने के लिए और आपस में सहयोग करके कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं आपसे सदैव अभी प्रेरित रहा हूँ
और मैं आशा करता हूं कि अगले सेमिनार में हम बहुत सारे और अन्य प्रकार के उपायों को आपके बीच में रखेंगे, तब हमारा लक्ष्य जो है अगले 20 विश्वविद्यालयों में भी स्वच्छता के समाजशास्त्र को पढ़ाने के लिए पूरा होगा। धन्यवाद।